भारत में महिंद्रा थार अर्माडा यानी कि थार फाइव डोर का इंतजार तेजी से किया जा रहा था, जो अब समाप्त होने जा रहा है। आए दिन नए नए अपडेट्स के साथ लॉन्च हो रही थार में इस बार कई नए फीचर देखने को मिल रहे हैं। नई थार फाइव डोर का इंटीरियर आपको खासा पसंद आएगा। थार का प्रोडक्शन रेडी मॉडल स्पोर्ट किया गया है, जिसमें कैबिन को आसानी से देखा जा सकता है। नई थार फाइव डोर का कैबिन पूरी तरह से ब्लैक है, जो इसे प्रीमियम फील देने में मदद करता है। यह ठीक वैसा ही नजर आता है जैसा मौजूदा थार का कैबिन है। नई महिंद्रा थार फाइव डोर में सिंगल पैन सनरूफ और रिमूवल पैनल के साथ हार्ड टॉप वेरिएंट है। नई थार फाइव डोर मौजूदा स्कॉर्पियो एन के लेडर फ्रेम चेसिस पर बेस्ट है, जो सोलिड स्टील से बनी है, यानी नया मॉडल भी काफी मजबूत है। वैसे आपको बता दें कि मौजूदा थार में सनरूफ की सुविधा नहीं मिलती। नई महिंद्रा थार को लेकर आइए जानते हैं कि इसमें और क्या कुछ खास है। नई महिंद्रा थार में नया ग्रिल डिजाइन देखने को मिल रहा है, जिससे हाल में आने वाली तीन डोर थार पर मौजूद सात स्लॉट के विपरीत छह स्लॉट में डिवाइड किया गया है। हेडलैम्प के डिजाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन अब इन्हें एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप और सी आकार का डीआरएल दिया गया है। विंग मिरर पर 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिख रहा है। नई महिंद्रा थार 5 डोर में दो 10.25 इंच डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिसमें से एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन के लिए और दूसरा इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए है। फाइव डोर थार को ज्यादा सेफ बनाने के लिए इसमें एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और अन्य फीचर्स शामिल है, लेकिन इस बार कंपनी ने इसमें एडवांस्ड ADAS टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया है। फाइव डोर मॉडल में भी दो WD और चार WD ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अलावा नई महिंद्रा थार में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी है। नई थार में एंट्री लेवल में 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 117 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क देगा। इसके साथ ही 2.2 लीटर टर्बो डीजल और 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन है। महिंद्रा थार तीन डोर को पिछले साल 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। भारतीय मार्केट में नई थार की एंट्री होते ही इसकी टक्कर गुरखा फाइव डोर और मारुति सुजुकी की जिम्नी के साथ ही किया की सेल्टोस, हुंडई की क्रेटा जैसे SUV के साथ टक्कर मानी जा रही है।